अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे एफएससी पार्ट वन आईसीएस पार्ट वन के चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का अनदर टॉपिक, जो कि शॉर्ट वर्जन के तौर पर आता है नॉर्मली बोर्ड के अंदर, जिसमें हम जानेंगे पावर क्या है और फिर हम पावर और वेलोसिटी का रिलेशन क्राइम करेंगे। पावर और वेलोसिटी का आपस में क्या ताल्लुक है आज के लेक्चर में आपको डिटेल से पता चलेगा। इसके अंदर 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन हैं, वो आपको बताएंगे, इनके आंसर्स क्या आप लिख करेंगे, ये कंप्लीट डिटेल के साथ आपको ये टॉपिक समझ आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में भी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी रोज आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम ये चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी में वर्क को डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। वर्क से रिलेटेड ये आखिरी टॉपिक है जिसका नाम पावर है। इससे पहले हमने वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड बड़ी डिटेल से पढ़ा, बहुत डिटेल से हम ये टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हो तो यहां मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं इस चैप्टर की कंप्लीट थारो अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बच्चे जानते हैं पावर क्या है, पावर क्या है। इससे पहले मैं पावर की तरफ बढ़ू, मैं आपसे पूछता हूं प्यारे बच्चों, अक्सर हम कहते हैं हमने काम कर लिया है जी। आपको कोई टास्क दिया जाता है, आपने फर्ज नीचे से फर्स्ट फ्लोर पर कुछ चीजें लेके जानी है, आपने कहा मैंने टास्क कर लिया। दो दोस्तों को एक ही टास्क दिया गया, एक जल्दी आके मेरे पास आके उसने कहा मैंने काम कर लिया है, दूसरा थोड़ा लेट आया उसने भी कहा मैंने काम कर लिया है जी। तो इसमें फर्क क्या है, काम तो दोनों ने, टास्क तो दोनों ने कंप्लीट कर लिया। यहां ये देखा जाएगा किसने वो टास्क जो है जल्दी परफॉर्म किया, किसने टास्क लेट परफॉर्म किया, और लेट और जल्दी का यानी टाइम के साथ जब हम इस वर्क को कैलकुलेट करेंगे, वर्क पर यूनिट टाइम, जी हां, उससे मुझे पता चलेगा जिसने जल्दी काम किया है उसके पास जरूर पावर ज्यादा है, भाग के उठ गया है, जल्दी वापस आया ताकि जल्दी काम खत्म हो और मैं सर को बता सकूं मैं तो काम फौरन से कर रहा हूं। इसका मतलब उसके पास पावर ज्यादा है, जी हाँ। सो नॉर्मल रूटीन के अंदर अगर हम पावर की वर्क की कैलकुलेशन वक्त के साथ करेंगे, एक सेकेंड में, एक मिनट में, एक घंटे में, दोनों ने डिफरेंट एक ही काम डिफरेंट टाइम्स में किया, तो ये जो कैलकुलेशन होगी वो इन टर्म्स ऑफ पावर होगी, ठीक है। वो वर्क की कैलकुलेशन वक्त के लिहाज से जो होगी वो पावर के अंदर होगी, वो उस चीज की पावर बताएगी, मोटर की पावर, गाड़ी के इंजन की पावर, मशीनों की पावर, मोटर बोट्स, कश्तियों, जहाजों, इनकी पावर, ऑफकोर्स आप लोग जानते हैं टर्बाइन की पावर, जितनी चीजें आप इलेक्ट्रिकल देखते हो, दूसरी देखते हो, उनकी पावर मेजर की जाती है। और पावर क्या है आइए जानते हैं। पावर है प्यारे बच्चों, सादा लफ्जों में मैंने आपको एग्जांपल देके बताया पहले ही, पावर इज द मेजर ऑफ द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन। पावर क्या है, वर्क को कैलकुलेट करना है, काम को ही कैलकुलेट करना है। और काम आप लोग जानते हैं बॉडी का फोर्स उस पर लगे तो डिस्प्लेस होना, दाएं बाएं ऊपर नीचे फोर्स के नतीजे में बॉडी डिस्प्लेस हो तो उसे वर्क कहते हैं। तो कहते हैं पावर में हम किसको मेजर करते हैं, किसको कैलकुलेट करते हैं, पावर इज द मेजर, पावर पैमाइश है, किस चीज की पैमाइश है, जी हाँ, रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन, जी हाँ, कितनी जल्दी से आप कोई काम कर रहे हो, कितनी स्लोली से आप कोई काम कर रहे हो, यानी रेट एट विच द वर्क इज डन, जी हाँ, वक्त के साथ। यहां रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन से बड़ा डिनोमिनेटर के अंदर बटे के अंदर टाइम है, यानी हमने घड़ी पहनी है और हम नोट कर रहे हैं किसने थोड़े वक्त में काम किया, किसने ज्यादा वक्त में काम किया। जिसने थोड़े वक्त में काम किया हम कहेंगे भाई इसके अंदर शक्ति, इसके अंदर पावर ज्यादा है। जो मोटर थोड़े वक्त में टंकी को भर देगी हम कहेंगे भाई इसकी पावर ज्यादा है। जो मोटर ज्यादा वक्त चलती रहेगी और लेटली टंकी को टैंक को भरेगी पानी से, मिसाल दे रहा हूं, तो हम कहेंगे यार इसकी पावर कम है, हैं स्लो है, बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। सो पावर इज द मेजर ऑफ, ये पैमाइश है, ये कैलकुलेशन है, रेट एट विच, रेट का मतलब वक्त के साथ आप कैलकुलेट कीजिए वर्क इज बीइंग डन, किस कितने वक्त में कितना काम हो रहा है, कितने वक्त में कितना काम हो रहा है। सो वर्क को टाइम के लिहाज से कैलकुलेट करेंगे तो वो चीज क्या होगी, आपके पास पावर होगी। अब पावर की बात हम कर रहे हैं तो हमें इसका एक्सप्रेशन भी पता होना चाहिए, वैसे स्टेटमेंट से तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर वक्त
अगर वर्क को टाइम के लिहाज से कैलकुलेट किया जाए, एक तरफ आप वर्क परफॉर्म कर रहे हो, दूसरी तरफ आप टाइम देखते जा रहे हो, तो ये जो कैलकुलेशन आएगी ये हमें क्या बताएगी उस बॉडी की, उस बंदे की, उस गाड़ी की, उस जहाज की, उस गधे की, उस घोड़े की, जिस भी चीज की आप बात कर रहे हो उसकी पावर के मुताबिक बता देगी। आगे चल के इस कैलकुलेट भी देखेंगे। सो नॉर्मली हम यूजली हम क्या करते हैं, पूरा काम करने के बाद, यहां से चल फिरने के बाद हम जो कैलकुलेशन कर ली, हमने पूरा वर्क कैलकुलेट कर लिया, हमें टास्क दिया गया सुबह से लेकर शाम तक, हमने वो परफॉर्म कर लिया कंप्लीट, उसमें जो वर्क हमने किया उसे कंप्लीट टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे तो जो आपके पास पावर आएगी वो पूरे दिन की पावर होगी। उसमें आप कभी ठहरे भी होंगे, कभी तेजी से काम भी किया होगा, बीच में नमाज का वक्फा, खाने का वक्फा, लेकिन हमने पूरे 8 घंटे को, 10 घंटे जितने भी आपने काम किया उसको हमने क्या किया, उस वर्क को पूरे टाइम के साथ डिवाइड कर दिया, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो एवरेज पावर होगी। एवरेज पावर है जो पूरा टास्क दिया गया, उस टास्क के दौरान, उस टास्क के दौरान जितना आपने वर्क किया उसको आप किससे डिवाइड कर दें, टाइम के साथ, वर्क डन टाइम से डिवाइड हो गया, डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा टी। जी हाँ, जो वर्क आपने परफॉर्म किया है उस दौरान आपको जितना वक्त लगा है, इन दोनों को कैलकुलेट कीजिए, डिवाइड कीजिए, ये जो आपके पास रिजल्ट आने वाला है ये हमें बताएगा उस बंदे की, उस गाड़ी की, उस मोटर की, जिस चीज की भी आप बात करें उसकी पावर कितनी है। ये है इस एक्सप्रेशन का मतलब। अब मैं आपको बताऊं इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, यानी मैंने आपसे एवरेज का ये बताया कि पूरे वर्क के दौरान पूरी आपके पास जो सिनेरियो सिचुएशन थी उस दौरान जो आपने कैलकुलेशन की वो एवरेज है। जबकि प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं लम्हा व लम्हा, अक्सर न्यूज में आप सुनते हैं लम्हा व लम्हा खबर सुनिए, इंस्टेंट न्यूज सुनिए, इसी तरह अगर आप चाहते हैं उस गाड़ी की, उस मोटर की, उस मशीन की, उस मजदूर की, लेबर की, जो काम कर रहा है आपके घर, जो कहीं काम लगा हुआ है, किसी लम्हे पर उसकी पावर कितनी है, तो उस पावर का नाम होगा इंस्टेंटेनियस पावर। वक्त के किसी भी हिस्से में 8 घंटे का टाइम उसे दिया था, आपने कहा मैं 12 बजे से नोट करूंगा ये काम सही कर रहा है नहीं कर रहा, मैंने नोट करूंगा ये कश्ती, ये मोटर बोट, ये मोटर जो हमारे घर में पानी वाली लगी है, ये 12 बजे, 1 बजे, 1 बजे से लेकर 1:05 तक मैं नोट करता हूं, इसकी वर्क करने की जो एबिलिटी क्या है टाइम के साथ। तो इसका मतलब पर्टिकुलर टाइम में, वेरी स्मॉल टाइम में, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, किसी स्पेसिफिक टाइम में आप क्या करिए, पावर को कैलकुलेट करिए, पावर एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे, फॉलोइंग द टाइम डेल्टा टी, जिसमें टाइम कितना है डेल्टा टी, और यहां टाइम आप लोग ऑफकोर्स जानते हैं जो आपने यूज करना है वो डेल्टा टी यूज कर रहे हैं, टाइम का कुछ हिस्सा यूज कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ टाइम यूज कर रहे हैं। तो पावर इंस्टेंटेनियस कैसे बनेगी, जब आप किसी इवेंट के दौरान, किसी पर्टिकुलर मोमेंट, किसी खास मोमेंट, किसी भी मौके पर आप जानना चाहे इसकी पावर क्या है, उस दौरान, उस सेकंड, उस मिनट जो उसने वर्क किया होगा, वर्क ओवर टाइम जो आपके पास रिजल्ट आएगा दैट विल बी आर इंस्टेंटेनियस पावर। सो पावर इंस्टेंटेनियस कैसे बनती है प्यारे बच्चों, जस्ट हम साथ में क्या पुट कर देते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं, और सब लोग जानते हैं लिमिट हमने किस पर पुट करनी है, लिमिटाइज किसी हमने करना है, वक्त को, टाइम को जितना स्मॉल करेंगे, जितना छोटा रखेंगे, बहुत थोड़े लम्हे के लिए रखेंगे, तो हम लिखेंगे टाइम अप्रोचेस टू जीरो, टाइम इतना शॉर्ट है कि जीरो को अप्रोच कर रहा है। जैसे हम पीछे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर चैप्टर 3 में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, किसी भी लम्हे, तो वो कैसे आता था, जो भी आपके पास एवरेज वैल्यू होती थी उसके साथ लिमिट पुट कर देते थे, और लिमिट भी किस पर, डिनोमिनेटर वाले फैक्टर पर, और यहां डिनोमिनेटर में कौन सा फैक्टर है, टाइम। सो टाइम को हमने लिमिट करना है, टाइम को हमने जीरो के करीब लेना है, टाइम को हमने बहुत स्मॉल लेना है, बहुत स्मॉल टाइम में, बहुत छोटे से लम्हे में जो आपके पास पावर आएगी उस बॉडी की, उस मजदूर की, उस मशीन की, उस गाड़ी की, उसको आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। बाकी चीजें वही डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा टी, जबकि टाइम हमने फ्रैक्शन, बहुत थोड़ा सा, 1 सेकंड, हाफ सेकंड, सेकंड का कुछ हिस्सा, जी हाँ, वो हमने लेकर जो कैलकुलेशन करनी है वो आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर है। अब मैं आपको इसका यूनिट भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैंने जो एग्जांपल स्टार्ट में दी थी वो मैं डायग्राम बना के समझाता हूं। यानी वो कीजिए, ये एक मजदूर है, जी हाँ, सब लोग जानते हैं मजदूर का काम क्या होता है, घर आपके बना देता है, कोई भी उसे काम दे 8 घंटे का वो करेगा और बाद में आपसे मजदूरी ले लेगा। मजदूर का काम है ईंटें ढोना, ईंटें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, मिस्त्री के साथ, कारपेंटर के साथ, मुख्य लोगों के साथ मजदूर होते हैं, वो काम करते हैं, उनकी रूटीन ये है। और दूसरी तरफ आप हैं स्टूडेंट, ये हैं आप,
आप में से कोई प्यारा सा हमारा स्टूडेंट घर में करते हैं, आप लोग मामा का दादा का साथ में हाथ बटाते हैं, घर में काम हो रहा है तो साथ जरूर आप हाथ बटाते होंगे। तो मुझे ये बताइए, दोनों को एक ही काम दिया गया, दोनों को 20-40 ईंटें थी, मजदूर को आपको पता है एक ही तरफ एक ही दफा बांध के ऊपर ले जाएगा। सो मजदूर को आपने कहा ये ईंटें हैं यहां पहुंचाएंगे, ऊपर जाके आपको ऑफकोर्स पता है छोटे लगेंगे, इसलिए मैंने ऊपर जाके छोटा बनाया, जिससे चढ़ते चढ़ते यहां जाना है इसने, और इसने सेम वर्क करना है, फर्ज कर लें वर्क का यूनिट तो आप डिटेल से जानते हैं, जोड़ है वर्क दोनों ने करना है 40 जोड़, कुछ ज्यादा नहीं, मैं कहता हूं 40 जोड़ वर्क है, 20 ईंटें इसे भी 20 ईंटें आपको भी, कहां जाइए भाई यहां पहुंचाइए। आप ही से पूछता हूं, आप ही मुझे बताएंगे कौन वर्क जल्दी परफॉर्म करेगा? सर जी मजदूरी करेगा, हम कहां से कर सकते हैं, हमसे किताबें करवा लीजिए, हमसे होमवर्क करवा लीजिए, हमसे और कोई काम करवा लीजिए, भाई ईंटों वाला काम मजदूर को ही करने दीजिए। लेकिन क्या है जी, एग्जांपल दे रहा हूं तो आप सब लोग समझदार हैं, ये क्या करेगा मजदूर, उसे ट्रिक पता है, तरीकाकार पता है, रोज करता है, रूटीन से करता है, आपका सौदास्त में सांस फूल जाए, थक जाए, यानी ये फर्ज करें ये 5 सेकंड अगर ये ईंटों ऊपर लेके जा रहा है, आपको ऊपर जाने में हो सकता है टाइम लगे 20 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, क्योंकि हमारी रूटीन नहीं, हमारा ये काम नहीं है, जिसका काम उसी को साझे। तो प्यारे बच्चों फर्ज कर लें आपको यहां पहुंचते हुए 10 सेकंड लगे, तो मैं आपसे पूछता हूं किसकी पावर ज्यादा है? जी हाँ, सेम वर्क सेम काम दोनों को दिया, तो टाइम के लिहाज से जब इस वर्क को कैलकुलेट किया, वर्क ओवर टाइम, तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आया, ये जो मेरे पास कैलकुलेशन आएगी डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी 40 बटा 5, क्या आंसर आ गया? 8 वाट। जी हाँ, इसकी पावर जो पर सेकंड इसका यूनिट है, जिसे वाट भी कहते हैं, आगे चलकर बताता हूं, ये इधर आने लगा है। यहां पर जब कैलकुलेशन की, आपकी पावर कैलकुलेट की, तो क्या आंसर आया? जी हाँ, 4 जोल पर सेकंड, यानी 4 वाट। तो आप सब लोग कहेंगे सर जी मेरे में पावर्स कम है, इसमें पावर ज्यादा, क्योंकि फिजिकल काम दिया गया है, हमसे कुछ याद करवा लीजिए, हमसे सबक सुन लीजिए, इससे कहिए फिर करके दिखाए, तो वो भी बात है, हम फिजिकल वर्क जिसमें हमें चीजें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने होती है, वो करके दिखाया तो पावर हमें दिखी, थोड़े वक्त में वही काम, ज्यादा वक्त में वही काम, तो इसका मतलब इसकी पावर थोड़ी, इसकी पावर ज्यादा। सो वर्क को अगर टाइम के साथ कैलकुलेट कर लिया जाए, स्पेसिफिक टाइम में जो वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, वो आपकी गाड़ी की मशीन की पिछले चीजों की पावर होगी। अब अगला टॉपिक, जो बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं आया हुआ, ना ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, वो सिंपल सा सवाल, पावर एंड वेलोसिटी। सर ये क्या मतलब है? मतलब तो समझाइए, पावर एंड वेलोसिटी। प्यारे बच्चों बहुत सी ऐसी जगह है जहां पावर और वेलोसिटी का ताल्लुक होना जरूरी है, मसलन मोटर बोर्ड, जो आपकी किताब में एग्जांपल दी है, मैं और भी आपको मिसालें दे दूंगा, यानी वहां अगर आप गौर करें तो वहां फोर्स और वेलोसिटी का बड़ा अहम ताल्लुक है, फोर्स और वेलोसिटी, लग वहां पावर यही है, वहां जो कश्ती है, कश्ती आपने मोटर बोट की मैंने मिसाल दी, मोटर बोट में जब मोटर चलती है, अगर आपने सफर किया हो रावल डैम, मंगला डैम या किसी भी दरिया पर, तो वो मोटर बोट में आप बैठे हैं, कश्ती में बैठे हैं जिसमें मोटर लगी हुई है, मोटर जब चलती है तो प्रोपेलर वो पंखा घूमता है, अगर आपने देखा हो कार्टून में देखा होगा, मूवीज में जरूर देखा होगा, प्रोपेलर वो पंखा घूमता है, वो पंखा क्या करता है सब बच्चे जानते, वो पंखा क्या करता है, वो पानी को पीछे धकेलता है, जबकि पानी रिएक्शन के तौर पर क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स लगाकर उस कश्ती को आगे ले जाएगा। आप देखेंगे आगे धकेल रही है, कश्ती आगे की तरफ जा रही है, उस प्रोपेलर के पानी के पीछे धकेलने से पानी रिएक्शन देगा, और जी हाँ फोर्स, मैंने कश्ती भी बनाई है, देखिए आप में से कोई है माशाल्लाह जी, आपने जनरेटर ऑन किया, मोटर चली, मोटर चलने से प्रोपेलर चला उसका कश्ती का, प्रोपेलर ने पानी को पीछे धकेला, अब पानी ने मुजाहमत के तौर पर आपको आगे धकेला, यहां पर जब मोटर चल रही होगी मुसलसल, प्रोपेलर मुसलसल चल रहा होगा, फोर्स क्या लग रही होगी, कॉन्स्टेंट मुसलसल एक ही फोर्स लग रही है, मुसलसल पानी पर, अगर आप तेज ना करें स्लो ना करें तब की बात हो रही है, मुसलसल प्रोपेलर क्या करी जा रहा है, घूमी जा रहा है, कॉन्स्टेंट फोर्स दे रहा है, कॉन्स्टेंट फोर्स देने से क्या होगा, इसमें कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पैदा होगी, ये कश्ती जो है एक ही रफ्तार से चलती जा रही होगी। चप्पू वाली कश्ती की बात नहीं करें, मोटर बोट की बात करें, स्पीड कम ज्यादा कर रही फिर तो आपको प्रोपेलर की मोटर की, मोटर तेज चलाना होगी, उसकी स्पीड अप करना होगी, और साथ में प्रोपेलर की स्पीड अप होगी, तब वेलोसिटी बढ़ी। अभी हम कह रहे हैं कि प्रोपेलर मुसलसल एक ही रफ्तार से घूमने जा रहा है, नतीजा दो साइडों पर पानी है, वो मुसलसल एक ही तरह की फोर्स लगा रहा है, पानी एक ही तरह की फोर्स लगा रहा है, और नतीजा इसके पास कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट फोर्स, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो हमें यहां रिलेशन ये पता चला, ये जो
मोटर का इंजन है, मोटर जो है इसकी इसकी जो पावर है उसकी वजह से, मोटर की पावर की वजह से यहां क्या हो रहा है, कश्ती के ऊपर पानी की तरफ से, वाटर की तरफ से फोर्स लग रही है और नतीजतन मोटर बोट के अंदर क्या पैदा हो रही है, वेलोसिटी पैदा हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट फोर्स इस पर लग रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी। जी हाँ, कौन डिसाइड करेगा कांस्टेंट फोर्स और कांस्टेंट वेलोसिटी? ऑफ कोर्स मोटर की, जो कश्ती की मोटर है वो डिसाइड करेगी, मोटर के बाद प्रोपेलर है उसकी पावर डिसाइड करेगी, उसकी मोशन डिसाइड करेगी, कितनी फोर्स लगनी है, कितनी वेलोसिटी पैदा होनी है। वो आप जानते बड़े जहाज हैं तो बड़े जहाजों में भी ऐसा ही सीन है, टाइटैनिक देखा हो, बड़े जहाज आपने देखे हो तो नीचे बड़े बड़े पंखे प्रोपेलर्स चल रहे हैं। बात ये हो रही है पावर और वेलोसिटी का ताल्लुक क्यों जरूरी है। इसी तरह से आपने देखा होगा, आप स्विमिंग करते आपने नोट किया होगा, जितनी आपके अंदर पावर है आप क्या करेंगे, उतनी फोर्स से पानी को पीछे धकेलेंगे और पानी फिर आपको आगे पुश करेगा, आपके अंदर वेलोसिटी आएगी। इसलिए पावर और वेलोसिटी का ताल्लुक बहुत अहम है, पावर और वेलोसिटी का ताल्लुक बहुत अहम है, जो बॉडीज के अंदर वेलोसिटी पैदा करती है। इसलिए हम ताल्लुक बनाने जा रहे हैं पावर और वेलोसिटी का। यहां जो पावर का आपने फार्मूला पढ़ा है, इस फार्मूले को हम वेलोसिटी की शक्ल में लेकर जाना चाहते हैं। लेफ्ट साइड पर हमें पावर नजर आए, राइट साइड पर वेलोसिटी नजर आए। जी हाँ, वो चीजें जो मोशन कर रही है उनकी बात हो रही है। ऑफकोर्स गाड़ी के इंजन में भी ऐसा ही सीन है, गाड़ी के इंजन की भी पावर डिसाइड करती है कि गाड़ी के अंदर कितनी वेलोसिटी पैदा होगी। हैवी इंजन ऑफकोर्स आप लोग जानते हैं गाड़ी की रफ्तार 250, 300, 400, जो फार्मूला 1 एसी कार्स हैं उनके इंजन कितने हैवी, कितनी ज्यादा पावर है उतनी ज्यादा वेलोसिटी पैदा करती है उसका इंजन। सो पावर डिलीवर्ड बाय अ मोटर एट एनी इंस्टेंट इज, ये तुम्हें पता है, ये जो कश्ती का इंजन है, पावर डिलीवर बाय द मोटर, मोटर जो इसकी है कितनी पावर डिलीवर करेगी एट एनी इंस्टेंट, यही फार्मूला है। किसी भी लम्हे पर कश्ती की जो मोटर है कितनी पावर डिलीवर कर रही है, किसको, प्रोपेलर को, वो किसके बराबर है, पी इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी। अब इस एक्सप्रेशन को गौर से देखिए, ये जो वर्क है, वर्क हम जानते हैं किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा हुआ है वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यस, ऐसा ही है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। और सब बच्चे जानते हैं जब डॉट प्रोडक्ट खुलता है तो क्या आता है, सब बच्चों को पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब डॉट प्रोडक्ट खुलेगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां पर वो कीजिए, यहां पर जब हम डेल्टा डब्ल्यू लिख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट के साथ भी क्या आएगा, डेल्टा का साइन आएगा। जी हाँ, इसे खोल के देखिए तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा, यहां भी आप डेल्टा लिख सकते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक कांस्टेंट वैल्यू है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो इसके लिए साथ में डेल्टा का साइन आ रहा है, डेल्टा का साइन। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम खोलें तो आएगा एफ डेल्टा डी जी कॉस ऑफ थीटा। अब आप लोग जानते हैं जिस तरह फोर्स लग रही है उसी तरह डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा है, तो थीटा की जगह क्या आ गया, जीरो। जब कॉस जीरो, जिस तरह फोर्स उसी तरह डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह कश्ती जा रही है, उसी तरह बोट जा रही है, तो थीटा की जगह जीरो आ गया। तो आप लोग जानते हैं जब ये एफ डेल्टा डी कॉस ऑफ जीरो आएगा, कॉस जीरो तो हो गया वन, पीछे क्या बचा, एफ डेल्टा डी। सर जी, यहां आपको डेल्टा डब्ल्यू नजर आ रहा है, वहां पर इक्वेशन वन यहां पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दीजिए सर जी, मैं पुट करता हूं लेफ्ट साइड पर इंस्टेंटेनियस पावर, जी हाँ, लिखे साथ में, ना लिखे की बात है, आपने राइट साइड पर लिमिट लिख लिया तो इसका मतलब यही है, डेल्टा डब्ल्यू की जगह एफ डेल्टा डी और नीचे क्या चल रहा है, डेल्टा टी। मैंने आपसे कहा, हमने स्टार्टिंग में कहा फोर्स क्या है, कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट चीज पर लिमिट अप्लाई नहीं होती, कॉन्स्टेंट को क्या करेंगे हम, इस लिमिट से बाहर ले आएंगे। ये लिमिट जो है ये वेरिएबल्स पर अप्लाई होती है, चेंजिंग जो चीजें चेंज हो रही है उन पर अप्लाई होती है। हमने कहा हुआ फोर्स कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या करेगी, बाहर आ जाएगी, एफ बाहर, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी। मुझे बताइए ये एक्सप्रेशन कहीं देखा देखा लग रहा है, ये एक्सप्रेशन कहां देखा गया रे बच्चों, आप लोग सभी जानते हैं डेल्टा डी बाय डेल्टा टी क्या था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चैप्टर नंबर 3 में, ये तो देखी हुई वैल्यू है। जी हां, इसका मतलब यहां पर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो आप नीचे लिखेंगे, मैं साइड पर लिख रहा हूं, ये जो टर्म है ये टर्म वेलोसिटी के बराबर है। मैंने पहले कहा आप साथ में इंस्टेंटेनियस लिखे ना लिखे की बात है, जब आपने लिमिट अप्लाई कर दी है तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस है। तो बताइए यहां क्या बच गया, पावर क्या बच गया पीछे, एफ, और ये सारा एक्सप्रेशन किसके बराबर आ गया, वी के। तो बताइए जरा पावर किसके बराबर आ गई, एफ डॉट वी, वेक्टर क्वांटिटीज,
पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ये मैं चाह रहा था। पावर का रिलेशन किस शक्ल में लेके आना, वेलोसिटी में। तो आप देख लीजिए, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, दरमियान में क्या आ रहा है, डॉट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सो आप देख लीजिए, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है जो फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट पर मुश्तमिल है, और सब लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट के नतीजे में स्केलर क्वांटिटी आती है। और यहां से भी देख लीजिए, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वर्क और टाइम पर डिपेंड करती है, वर्क भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, पावर इज अ स्केलर। तो हमें लिख देना चाहिए यूनिट ऑफ पावर, यहां हम बताना भूल गए, यूनिट ऑफ पावर इज वाट, और कहां से आया, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, जोल ओवर सेकेंड, तो यूनिट जोल पर सेकंड को वाट भी कहते हैं, क्योंकि आइडिया किसने दिया था, वाट साइंटिस्ट थे। सो दैट इज वाई द यूनिट ऑफ पावर इज वाट, जोल पर सेकंड लिखा हो या वाट लिखा हो एक ही बात है। आप लोग घरों में बल्ब खरीदते हो, पंखा, ये ट्यूबलाइट्स, ये सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इन सब के साथ इनकी पावर लिखी होती है, सही है, 12 वाट, 16 वाट, 50 वाट, 75 वाट, 100 वाट, ये इलेक्ट्रिकल पावर। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल पावर, इस तरीके साथ भी अभी बात करेंगे इसके ऊपर भी। सो ये मैंने रिलेशन कायम कर दिया पावर और वेलोसिटी का, पावर और वेलोसिटी का आपस में क्या ताल्लुक है, आप खुद देख लीजिए। जितनी ज्यादा पावर होगी, जैसे गाड़ी के इंजन की पावर ज्यादा है, तो ऑफकोर्स वो क्या करने वाला है, ज्यादा वेलोसिटी पैदा करने वाला है उस गाड़ी में, इसी तरह इस मोटर बोट में। तो अब आपको नेक्स्ट आगे जा रहे बच्चों, पावर का यूनिट हमने डिस्कस कर लिया, द यूनिट ऑफ पावर इज वाट, जी जोल पर सेकंड या वाट। तो वन वाट किसके बराबर है, एक वाट किसके बराबर है, प्यारे बच्चों पावर का यूनिट वर्क ओवर टाइम, जोल पर सेकंड, जोल पर सेकंड यानी उसे वाट कहते हैं, वन वाट किसके बराबर है, अगर 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 आपके पास टाइम एक सेकंड हो और आप इस एक सेकंड के दौरान एक जोल वर्क करो, कितना टाइम है, आंख झपकने में एक सेकंड गुजर जाता है, जी हाँ, सिर्फ देखें एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स कितने मूवमेंट कर लेते हैं वो आप समझ जा रहे हैं, जी हाँ, इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। सो जरूरी है एक सेकंड सबके लिए एक जैसा हो, एक सेकंड में कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने काम में दौड़ रहे हैं और हम एक सेकंड में अपनी जगह से हिल नहीं पाते। सो एक सेकंड में कोई बॉडी एक जोल वर्क अगर करे, जी हाँ, वन वॉल्ट इज डिफाइंड एज वन जोल ऑफ वर्क डन इन वन सेकंड, टाइम कह दिया एक सेकंड है भाई, घर में अक्सर कहते हैं या हम अपने दोस्तों को फिर कहते भाई एक सेकंड रुकना, और माशाल्लाह हमारा एक सेकंड 5-10-50 मिनट से कम नहीं होता, एक सेकंड रुकना माया तो क्या मजाक हो रहा है, वैसे नॉर्मल कह रहा हूं, हम रूटीन में ऐसे बोलते हैं। सो एक सेकंड के अंदर अंदर कोई बॉडी, कोई जगह, कोई गाड़ी, कोई मशीन, कोई पंखा एक जोर वर्क करेगा तो हम कहेंगे उसकी पावर कितनी है, वन वाट। अगर आपके बल्ब पर 12 वाट लिखा है तो इसका मतलब वो एक सेकंड में 12 जोल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिसिटी से ले रहा है और जनाब आपके कमरे को रोशन किए हुए हैं और आपको मजे के साथ रोशनी दे रहा है और जनाब खाई जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर जिसके बाद आपको बिल आएगा। हाँ, लेकिन सही है, एनर्जी से अगर आपको होता 12, 14, 16, पहले क्या होता था, येलो लाइट बल्ब होते थे जो 100 वाट 200 वाट 200 वाट, एक सेकंड में 100 जोल, एक सेकंड में 150 जोल एनर्जी खा रहे थे जिससे बिल बहुत ज्यादा आते थे। अब एनर्जी सेवर्स ने, एलईडीज ने बड़ा आसान कर दिया है और घर भी स्मूथिंग, लाइट भी बड़ी मजे की होती है और बिल भी थोड़ा आता है। 1 किलो वाट अगर किसके बराबर है, जी ये तो किलो, 1 वाट तो हो गया, ये किलो वाट और साथ में वाट छोटा यूनिट है, किलो वाट, मेगा वाट, ये तो हो गए पावर के यूनिट, किलो वाट, मेगा वाट, गीगा वाट, जी हाँ, टेरा वाट, ये तो हो गए पावर के यूनिट वाट की शक्ल में। लेकिन कह रहा 1 किलो वाट आवर किसके बराबर है भाई, साथ में आवर आ रहा है। प्यारे बच्चों कमर्शियली, कमर्शियली क्या, ये जो हम घरों में रहते हैं डोमेस्टिक है, कमर्शियल मार्केट के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर आपने सुना होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, खासतौर पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो बिजली आ रही है आपके यहां, ये जो बिजली आ रही है इसका जो यूनिट है वो किलो वाट आवर लिया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर नहीं, इलेक्ट्रिकल पावर वाट, किलो वाट आवर या किलो वाट, मेगा वाट इसमें होगी, पावर किसमें होगी, वाट, किलो वाट, मेगा वाट। लेकिन अगर आप चाहते एनर्जी इस कैलकुलेट करना, हमारे पूरे शहर के इलाके को एनर्जी कितनी चाहिए, वो किसमें होगी, किलो वाट आवर में, किलो वाट आवर में। अभी मैं आपको बताता हूं इसका क्या मतलब है। घर में आपके इस्त्री है, फ्रिज है, मशीन है, LCD है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आइए मैं आपको बताता हूं ये कितनी एनर्जी एक घंटे में खाते हैं, आइए समझिए। 1 किलो वाट आवर का क्या मतलब है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नोट कर लीजिए, ये एनर्जी का यूनिट है, पावर का यूनिट वाट ही है,
एनर्जी का यूनिट, एनर्जी का यूनिट जोल है ना, एनर्जी का यूनिट वैसे तो जोल है, वर्क का यूनिट जोल है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट किलो वाट आवर, ठीक है। इस किलो वाट आवर, वन किलो वाट आवर क्या है वो समझ लीजिए, और ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है, वन किलो वाट आवर किसके बराबर है। वन किलो वाट आवर क्या है, घर में अगर कोई आपके एक ऐसी चीज हो जिसकी पावर वन किलो वाट हो, तो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी पावर वन किलो वाट, वन किलो वाट का मतलब है 1000 वाट। इस्त्री, आप घर में जो आयरन है, इस्त्री करते हैं सुबह यूनिफॉर्म अपना, इस्त्री सर करते हैं अपना, बहन भाइयों का मामा कर देती है, आप कर लेते हैं, करते ना करते हैं, मामा बाबा जी भी कर रही है, ऐसे धोबी अक्सर करते हैं जी, तो बताइए मैम आपकी इस्त्री के ऊपर पड़िएगा 1000 वाट लिखा होगा। इस्त्री जब जलती है तो घर की बाकी चीजें मदद हो जाती है, नहीं होती तो अच्छी बात है, लेकिन स्त्री अच्छी खासी एनर्जी खाती है। तो प्यारे बच्चों स्त्री का आपको पता पावर कितनी है, 1 किलो वाट। अगर आपकी स्त्री एक घंटा चले, 1 किलो वाट इज द वर्क डन इन 1 आवर बाय द एजेंसी, एजेंसी यहां क्या है, एजेंसी कोक की है, स्प्राइट की एजेंसी नहीं, यहां एजेंसी की मिसाल मैं क्या ले रहा हूं, जिस बॉडी की बात हो रही है, मैंने यहां किसकी बात की, आयरन की, स्त्री, स्त्री की बात करें, मुझे पता है स्त्री के ऊपर 1000 वाट लिखा हुआ, 1000 वाट किसके बराबर होता है, 1 किलो वाट। 1 किलो वाट आवर का मतलब है एक ऐसी चीज, जैसा कि स्त्री एजेंसी, एक ऐसी चीज जिसकी पावर 1000 वाट हो, एक घंटा पूरा चले, पूरा एक घंटा स्त्री चले, मामा अक्सर डांटती है बंद कर दे बिल ज्यादा आएगा, इतनी ज्यादा वो चला रहे, कई दफा चला के छोड़ जाते हैं, फिर पिटाई भी होती है, बातें भी सुननी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पावर ले रही है। 1 किलो वाट पावर की जो स्त्री है, अगर एक पूरा घंटा चलेगी, हुज पावर इज 1 किलो वाट, जी हाँ, 1 किलो वाट वाली स्त्री अगर पूरा एक घंटा चलेगी तो कितनी एनर्जी खाएगी, 1 किलो वाट आवर, इतनी एनर्जी खाएगी। याद रखिएगा कमर्शियली इस यूनिट को इस्तेमाल किया जाता है, घरों की एनर्जी है, मशीन उनकी इंडस्ट्रीज की, फैक्ट्रीज की, इनकी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए कितनी बड़ी मशीन लगी हुई है, कितनी एनर्जी खा रही है, इसको कैलकुलेशन किसमें की जाती है, किलो वाट आवर्स में। अब 1 किलो वाट आवर कितने जोल्स के बराबर है ये भी पता होना चाहिए सर जी, हमने पढ़ा था एनर्जी का यूनिट जोल है, हमें ये बता दीजिए किलो वाट आवर जो एनर्जी का यूनिट है तो कितने किलो वाट आवर कितने जोल के बराबर है, ये तो समझा दी थी। तो 1 किलो वाट आवर, किलो का मतलब सब बच्चों को पता है 1000 वाट, अपनी जगह पर वैसे का वैसा, आवर सबको पता 3600 सेकेंड, 60 × 60 एक घंटे में 3600 सेकेंड, तो 3020 कितने होंगे, 50 36 सात में, वैसे का वैसा 50 सात में आ गए। तो प्यारे बच्चों यूनिट क्या आ गया, साथ क्या चल रहा है, वाट और आवर की जगह क्या आ गया, सेकंड, तो ये वाट सेकंड बन गया कितना। अब इसको मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ लेकिन मैं बता देता हूं ये साइंटिफिक भी नहीं है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3.6 × 10 की पावर 6 वाट सेकंड। भाई वाट सेकंड किसके बराबर होता है, मजीद इसे पहले कर लें, ये क्या बन जाएगा 3.6 मेगावाट सेकंड, 3.6 मेगावाट सेकंड। सर जी ये वाट सेकंड आपने जोल लिख दिया है ऊपर, 3.6 मेगा जोल, ये कैसे, मैं बता देता हूं, ये देखिए पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, टाइम इज अवर के मल्टीप्लाई, तो वर्क किसके बराबर, पावर इनटू, पावर का यूनिट सबको पता है वाट, साथ में टाइम का यूनिट सेकंड, और वर्क का यूनिट जोल। इसका मतलब वाट सेकंड कहीं लिखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, जोल, इसीलिए वाट सेकंड की जगह क्या आ जाएगा, जोल, 3.6 मेगा जोल जी। 1 किलो वाट आवर में कितने जोल्स हैं, 3.6 मेगा जोल्स, जी हाँ, अब देख लीजिए 3.6 मेगा जोल्स जो एक छोटा यूनिट किलो वाट आवर, बड़ा यूनिट जिसे कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक जिसकी मैंने कोशिश किया आपको अंडरस्टैंडिंग करवा सके, पावर क्या है, क्यों कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, पावर क्यों कैलकुलेट करते हैं, वर्क के साथ इसका क्या ताल्लुक है जी, एवरेज पावर क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, और मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया पावर का यूनिट क्या है, उसके बाद पावर और वेलोसिटी का क्या ताल्लुक है, 1 वाट की क्या तारीफ है, फिर हमने लास्ट पर डिस्कस किया 1 किलो वाट आवर किसके बराबर है, 1 किलो वाट आवर की तारीफ क्या है, ये सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग में बताई थी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएंगी, और ये बहुत अहम सवाल है 1 किलो वाट आवर को साबित करें इतने जो इसके बराबर 10th क्लास में भी था। आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूं आपने इंजॉय किया होगा, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल कर ले सब्सक्राइब, और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें, इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद
रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।